यूक्रेन पर रूसी हमले की शुरुआत के करीब एक साल बाद संघर्ष और तेज होने के आसार हैं। इसी बीच खबरें हैं कि रूसी बलों को पीछे हटाने में मदद करने के लिए कीव को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की संभावना यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी की एकता को जोखिम में डाल सकती है। माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज ला रही पुलिस का काफिला बुधवार सुबह झांसी पहुंचा। दोपहर तक प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। अतीक ने मीडिया से कहा, आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूं। मैंने वहां से कोई फोन नहीं किया, वहां पर जेमर लगे हुए हैं। मैंने जेल से कोई साजिश नहीं रची, 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की बुधवार को पटना के MLA MP कोर्ट में पेश होना है। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया था। हालांकि ऐसा ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता चली गई थी। बिहार में सीमांचल के कई जिलों में बुधवार सुबह 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। सहसरा, मधेपुर, कटिहार, किशनगंज, पुण्याला, अरिया में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। नए केस 8,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 5,921 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 4,559 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 14 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 68,51,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.99 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अमेरिका ने कहा कि वो श्रीलंका में किसी तरह का मिलिट्री बेस बनाने नहीं जा रहा है। श्रीलंका में अमेरिकी एम्बेसडर जूली जे चुंग के मुताबिक श्रीलंका हिंद प्रशांत महासागर का एक बेहद अहम देश है, लेकिन अभी हम यहाँ कोई आर्मी बेस बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच लीग स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में अब तक 3 मैच खेले, 2 में जीत और 1 में हार मिली है। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 315वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 23 अंक की बढ़त के साथ 60,180 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में 37 अंकों की बढ़त रही या 17,759 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 30 में से 12 शेयरों में तेजी और 18 में गिरावट देखने को मिल रही है।